हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल शूट माय स्टाइल पे। और मैं शैलेन आज आपके सामने फिर से एक मैसेज लाया हूँ। इस मैसेज में कुछ क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जो है वो नीड वीडियो कॉल के स्कैम से रिलेटेड ही है। तो हो सकता है कि ये जो क्वेश्चन आज का मैं पढ़ने जा रहा हूँ या आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपसे रिलेटिव हो और हो सकता है कि आप भी इसी तरीके के मैसेज का कुछ क्वेश्चन मेरे से पूछने जा रहे हो। सो दैट कि आपको ये इन्फॉर्मेशन मिले और आप अपडेट रहें ऐसी क्वेश्चन से हमेशा। तो देखिए, जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये मैसेज है, ये मैसेज आया है मिस्टर पबजी। इन पबजी का जो क्वेश्चन है वो है, सर 6 मंथ पहले हुआ था इनके साथ बेसिकली न्यूड कॉल का स्कैम हुआ था, वो 6 मंथ पहले हुआ था। मैंने कंप्लेन नहीं करवाई है, उस दिन के बाद ना मेरे को कॉल आया ना मैसेज, मतलब परेशान नहीं किया इसलिए कंप्लेन नहीं की। नाउ 12 मंथ्स बाद आई एम आउट ऑफ इंडिया जा रहा हूँ जॉब करने, तो अब कोई दिक्कत आ सकती है या नहीं, प्लीज बताएं। देखिए, 12 महीने के लगभग हो गया और आपके पास कोई कॉल नहीं आया, आपसे पास कोई पैसे की डिमांड नहीं आई, तो यू आर सो लकी, राइट? बिकॉज कि जिनके साथ नीड वीडियो कॉल का स्कैम होता है और जो स्कैमर्स नीड वीडियो कॉल का स्कैम करते हैं, वो जो विक्टिम होता है उसको बहुत दिनों तक चेस करते हैं, सो दैट कि उससे पैसे निकलवा सकें। पैसा नहीं निकल रहा है उसके लिए वो बहुत सारे जुगाड़ लगाते हैं, यूट्यूब का फर्जी मैनेजर बनकर, टेलीग्राम का फर्जी मैनेजर बनकर, इंस्टाग्राम का मैनेजर बनकर, यूट्यूब का मैनेजर बनकर, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स का मैनेजर बनकर वो फोन करते हैं और कोशिश करते हैं कि कुछ ना कुछ करके तो आपको फंसा ही लिया जाए। अगर 5-10 हज़ार रुपए भी ना मिले तो भी कुछ नहीं तो कम से कम 500-200 रुपए तो मिले। ये लोग इतने गिरे हुए लोग होते हैं जो स्कैमर होते हैं कि वो आपसे 200-400-500 रुपए भी लेकर तसल्ली उनको मिलती है, क्योंकि उनका जो मोटो होता है वो ये होता है, चाहे जितने भी पैसे मिले बट आपसे पैसा लेकर ही अलग होना है। बट क्योंकि आपके साथ ऑलरेडी 12 मंथ्स हो चुके हैं, आपके साथ कोई भी इस तरीके का सिनेरियो नहीं हुआ है, तो आपको घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है। और रही बात कि आप बाहर जाने वाले हैं जॉब के लिए, आउट ऑफ कंट्री जाने वाले हैं, तो आपको बिल्कुल इस तरीके के क्वेश्चन को बिल्कुल माइंड से निकाल देना है कि अगर आप किसी बाहर की कंट्री में जाएंगे तो आपके साथ वो पीछा करते करते वहां तक पहुंच जाएंगे, आपको वहां तक कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करेंगे। देखिए, उनकी जो टीम होती है, मैं ये नहीं कहता कि उनकी टीम जो होती है वो बहुत गवार और बहुत अनपढ़ किस्म की होती है, बिल्कुल कुछ दुनियादारी जानती नहीं है। दे पीपल्स ऑल्सो वेरी स्मार्ट, स्मार्ट हैं, इसीलिए तो हम सब लोगों को बैठ के वो बेवकूफ बना रहे हैं। तो न्यू वीडियो कॉल के स्कैम में उनके पास भी बैकअप में बहुत अच्छी टीम होती है, जो एक इंटेलिजेंट टीम होती है। किस तरीके की एक्टिविटीज नई शुरू करना है मार्केट में फ्रॉड करने के लिए, क्या नया प्रोग्राम फीड करना है, इनके पास भी पूरे IT के इंजीनियर होते हैं जो इनके साथ बैठ के काम करते हैं, नई नई एप्लीकेशन निकालते हैं, नए नए फ्रॉड के तरीके निकालते हैं। क्योंकि देखिए, दो तरीके के लोग होते हैं, एक होता है कि फ्रॉड से बचाने वाला बंदा और एक होता है फ्रॉड करने वाला बंदा। अगर फ्रॉड करने वाला बंदा आपके साथ फ्रॉड करके ले गया, इसका मतलब कि वो ही इज ऑल्सो इक्विवेलेंट टू द जो फ्रॉड से आपसे बचा रहा है। तो मार्केट में जो सिनेरियो है वो ये कि फ्रॉड करने वाला बंदा और फ्रॉड से बचाने वाला बंदा, दोनों तरीके के बंदों का है वो कॉम्पिटिशन चलता रहता है, क्योंकि सरकार बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन लाती है जिससे फ्रॉड से आप बच सकें, लेकिन ये जो स्कैमर होते हैं ये उनका भी तोड़ मार्केट में लाते रहते हैं। तो अगर आपके साथ मैं बात करूं कि आप विदेश जा रहे हैं, तो देखिए, ये इतने भी इंटेलिजेंट नहीं होते और इतने भी एग्रेसिव नहीं होते हैं कि आपके साथ वो विदेश तक लिंक बनाने की कोशिश करें, क्योंकि उनको भी देखिए ये पता है कि ठीक है 5-10 हज़ार रुपये मिल जाएगा तो हम शांत हो जाएंगे, फिर हम अगला कोई मुर्गा अपना पकड़ेंगे। क्योंकि ये उस आपको एक मुर्गे की तरह ट्रीट करते हैं कि आपसे 5-10 हज़ार रुपये मिला और फिर इन्होंने देखा कि अगर आपके साथ पैसा नहीं मिलेगा और आप भी एकदम रिस्ट्रिक्ट हो गए कि नहीं अब तो मैं पैसा नहीं दूंगा, तो ये क्या करते हैं, आपको छोड़ देंगे, फिर आपके पीछे ज़्यादा नहीं पड़ेंगे। क्योंकि इनको नए नए केसेस बनाना और वहाँ से पैसा लाना ज़्यादा इजी रहता है बजाय कि एक ही बंदे को पकड़ के रखना और उससे क्या कहते हैं पैसा खींचते रहना। तो आप विदेश जाइए, बिंदास जाइए, मस्त जाइए, आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आप विदेश जब चले जाएंगे तो इनके ऑटोमेटिकली जितने भी आपके साथ कॉन्टैक्ट है वो सब टूट जाएंगे और आपको ये कॉन्टैक्ट वैसे भी नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, मैं आपको एक चीज़ राय जरूर दे दूँ कि जब भी आप किसी कंट्री जाते हैं बाहर,
तो देखिए दूसरी कंट्रीज के अंदर भी इसी तरीके के न्यूड वीडियो कॉल के स्कैम या साइबर क्राइम की फ्रॉड्स होते रहते हैं। तो स्पेशली अगर मैं बात करूँ कुछ कंट्रीज जैसे पाकिस्तान हो गया, सऊदी अरबिया हो गया, नेपाल हो गया, और बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ से मेरे पास और भी कॉल आते रहते हैं। तो अगर ऐसी कंट्रीज में आप जा रहे हैं तो आपको बिल्कुल भी इस तरीके के स्कैम के चक्कर में बिल्कुल नहीं फंसना है, क्योंकि होता क्या है कि जो लोग बाहर चले जाते हैं वो सोचते हैं कि अब हमारे यहाँ घर परिवार वाले हैं नहीं, तो अब यहाँ पर कुछ भी गलत काम करो कोई देखने वाला नहीं है, चाहे कपड़े उतार के रहो चाहे कपड़े पहन के रहो, कोई भी हमें टोकने वाला नहीं है। तो उसी एक दिमाग के ठरकपन में गलतियाँ होती हैं और फिर मेरे पास बाहर की कंट्री से भी फ़ोन आते हैं। तो अब आप बिल्कुल सेफ जोन में हो, आपके पास इतने महीने हो गए कोई कॉल नहीं आ रहा, कुछ नहीं आ रहा, क्योंकि उन्होंने आपका रिकॉर्ड भी सब हटा दिया हुआ अपने पास से। अब आपको बस आराम से विदेश जाना है, अपनी नौकरी करनी है, और आपको वहां पर किसी भी तरीके के लफड़े में नहीं फंसना है। सो दैट कि अगर आप वहां फंसे तो वहां से भी आप मुझे फोन करोगे। लाइक जो मेरे पास मैक्सिमम जो कॉल आते हैं वो सऊदी अरबिया से आते हैं, और व्हाट्सएप मैसेज आते हैं वो भी मेरे पास सबसे ज्यादा सऊदी अरबिया से आते हैं। अगर मैं टोटल नंबर ऑफ आउट ऑफ कंट्रीज की बात करूँ तो सबसे ज्यादा जो मेरे पास केसेज होते हैं वो सऊदी अरबिया से आते हैं, और सऊदी अरबिया की जो गवर्नमेंट है वो बहुत ज्यादा सख्त है। अगर आप इस तरीके के केस में पकड़े जाते हैं कुछ दोबारा से गलती करते हुए, तो वहाँ की गवर्नमेंट आपको धर दबोचेगी, या तो आपको उठा के जेल में डाल देगी, और या फिर आपको वहाँ से डिपोर्ट कर देगी, और डिपोर्ट का मतलब है कि आपको वापस इंडिया भेज देगी, और वो डिपोर्ट का जो रीज़न लगाएगी वो इतना वैलिड रीज़न लगाएगी कि आपको किसी और दूसरी कंट्री में जाने का मौका भी नहीं मिलेगा। तो गाइस, तो पबजी आपका जो ये मैसेज था, होपफुली आपके इस मैसेज का आपको पूरा आंसर मिल गया होगा। तो जितने भी लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको इस वीडियो में जो मैंने मैसेज दिखाया और उसके जो मैंने आपको आंसर दिए, ये ओवरऑल में आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करना, और आपको आगे भी इसी तरीके की इन्फॉर्मेशन चाहिए, ऐसी अपडेट चाहिए, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो गाइस मिलते हैं फिर अपने अगले वीडियो में, तब तक ले टाटा बाय बाय नमस्कार।